नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे बड़ा डिबेट शो। आज आर पार में हम दो चीजों पर बात करेंगे। जनता ने 300 से ज्यादा सीटें देकर प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा सत्ता सौंपी। यह सीधा सबूत है कि मोदी सरकार को देश पसंद कर रहा है, पर लगता है कि विपक्ष 5 साल बाद भी मोदी को भारत के पीएम के तौर पर हजम नहीं कर पा रहा है। तभी संसद से लेकर सड़क तक मोदी के खिलाफ अपशब्दों की झड़ी लगा दी गई। प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करने की कोशिश हो रही है। आज संसद के भीतर कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने यही करने की एक कोशिश करी, लेकिन बीजेपी ने भी कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि विपक्ष को पीएम मोदी से माफी मांगनी चाहिए। इसी बीच असाउद्दीन ओवैसी एक बार फिर अपना विभाजनकारी एजेंडा लेकर मैदान में कूद चुके हैं, तो उधर मायावती ने अखिलेश यादव को जोर का झटका दे दिया है। इन तमाम मुद्दों पर आज देश की सबसे बड़ी बहस होगी। क्या मोदी से मांगी माफी मांगेगा विपक्ष और क्या इस गाली की सियासत से आगे बढ़ेगा विपक्ष? आज का आर पार इसी पर। सर, आत्मशोधन करो, पश्चाताप करो, मोदी से माफी मांग लेना। अब केरल में राहत मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा क्या शुरू हुई? बीजेपी ने तमाम विरोधी पार्टियों को आईना दिखा दिया। सर, अपोजिशन लीडर भी नहीं बन पाए, 15-20 दल बैठ करके अपोजिशन भी नहीं बन। अगर मैं निवेदन करता हूँ सर, थोड़ा सा समझो, इंट्रोस्पेक्ट करो। सर, हमारे स्मृति दीदी ने क्या किया? अब केरल में राहत मिला, भगाई भगाई केरल में राहत मिला। सर, अब तो सोचो, नम्रता दिखाओ। सर, आत्मशोधन करो, पश्चाताप करो, मोदी से माफी मांग लेना। हालांकि राहुल गांधी पर जब मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने निशाना साधा तो सोनिया नाराज हो गई। अब केरल में राहत मिला, भगाई भगाई केरल में राहत मिला। सर, इसी बीच बीजेपी ने संसद में एसपी और बीएसपी के टकराव पर निशाना साधा। कई लोग महागठबंधन की बात करते हैं, महा भी नहीं गठबंधन भी नहीं, तेल और पानी का मिलावट जैसा बेकार हो जाता है। ऐसा ही हुआ, तेल तेल नहीं रहता, पानी पानी नहीं रहता। लेकिन एक तरफ प्रताप सारंगी विपक्षी दलों पर पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहने पर निशाना साध रहे थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने फिर एक बार पीएम मोदी के लिए संसद में अपशब्द कह दिया। स्वामी विवेकानंद जी से, खासकर उनका नाम नरेंद्र मोदी है, इसलिए आप नरेंद्र दत्त को आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मिलावट करें, ये गलत है, ये जरूर मैं कहूंगा। लेकिन यू शुड नॉट कंपेयर बिटवीन मॉन्क एंड मॉन्स्टर, नो। वो स्वामी विवेकानंद के साथ उसको एक बराबरी कर रहे थे। मैंने कहा कि आप स्वामी विवेकानंद जी के साथ किसी को तुलना ना करो। स्वामी विवेकानंद एक गंगा है, जहाँ नरेंद्र दामोदर नारायण मोदी उनकी तुलना में एक नाली है। मैं बंगाल के आदमी हूँ, उतना अच्छा तो हिंदी नहीं जानते, लेकिन फिर भी अगर इस शब्दों से अगर कोई ठेस पहुँचे, कोई दुख हो, मैं खुले आसमान की तले खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मैं क्षमा प्रार्थी। उधर असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अपने विभाजनकारी मिशन में जुट चुके हैं। झारखंड के जमशेदपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई। चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई की, जिसके चलते 24 साल के तबरेज अंसारी की मौत हो गई। और इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी इसे धार्मिक रंग देने में जुट गए। कहा कि मॉब लिंचिंग के वाकयात ये नहीं रुकने वाले हैं। बीजेपी ने, एज अ पार्टी ने, और आरएसएस और उनके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह की नफरत में इजाफा कर दिया है कि इनको जो कोई भी नज़र आता है, इनको नज़र आता है कि या तो वो आतंकवादी है या फिर ये गाय को मारने के लिए आया है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या वाकई पीएम मोदी को अपशब्द कहने के लिए विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी से माफी मांगे विपक्ष। जैसे मैंने आपको बताया था कार्यक्रम के शुरू में कि दो बातें और दूसरा पहलू यह है कि विपक्ष को आईना दिखाने का विश्लेषण है, और यह विश्लेषण आप सुनिए आज जरूर। हार पर हार, लेकिन नहीं बदला मोदी के लिए कांग्रेस का विचार।
सड़क से संसद तक पीएम मोदी पर कांग्रेस का गाली प्रहार। अब सोचिए, जिस बयान को एक्सपंज किया जाता है यानी संसद की कार्रवाई से निकाला जाता है, उस पर सफाई देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो नेता हैं संसदीय दल के अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद तो गंगा की तरह है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी विवेकानंद एक बड़ा नाम है भारत के इतिहास का और इस पर हर भारतीय को गर्व है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक नाली की तरह है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है और ऐसे कैसे सहा जा सकता है? सोच के देखिए, फिर कह रहे मेरी हिंदी कमजोर है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं। लिंचिंग के मामले को धर्म के चश्मे से देखना शर्मनाक है। जो कुछ हुआ वो भी शर्मनाक है और जो कुछ आगे इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, जो असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम तथाकथित कर रहे हैं, वो भी बेहद बेहद गलत है। यह डराने की दुकानें और धंधे बंद करने पड़ेंगे। अब उसके बाद साथ मिलकर मोदी को लड़ने वाले प्रहार के बाद अब आपस में भिड़े हुए हैं। आप देखिए क्या हो रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव और मायावती पहले कह रहे थे कि हम साथ साथ हैं, अब मायावती कह रही है कि अखिलेश मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहते थे, अखिलेश मुसलमानों को पीछे रखना चाहते थे, अखिलेश की पार्टी ने मुझे हराया यानी समाजवादी पार्टी ने मुझे हराया, जबकि 0 से 10 वो खुद पहुंच गई है। लेकिन देखिए सब कुछ हो रहा है आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि देखिए 23 मई के बाद ये अलग हो जाएंगे। ये चलिए मैं बढ़ता हूं आगे और मेरे साथ आज की इस चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है, मेहमान आपके साथ इंट्रोड्यूस करा देते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे साथ नवाब चेतन सिंह जुड़ रहे हैं जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के प्रशंसक भी हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर राहुल गांधी के। महमूद प्राचा है, पेशे से वकील हैं और ये भी कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। मेरे साथ तौसीफ खान है, टीएमसी के समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इस चर्चा में नवाब मलिक है, वरिष्ठ नेता है एनसीपी के, उनका स्वागत है। प्रवक्ता है एनसीपी के, अजनीश अवस्थी है, आरएसएस के जाने माने विचारक है, आपका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले संबित पात्रा आप ही के पास आता हूं। अधीर रंजन चौधरी ने जो कुछ देर पहले सफाई दी है, जो जिस बयान को संसद की कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया गया, उसमें सफाई देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी तो एक नाली की तरह है, आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या आपको लगता है वैमनस्य, नेगेटिविटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इतना भर गया है कि समझ में नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है ऐतिहासिक हार के बावजूद? देखिए अमीश भाई, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है कांग्रेस पार्टी के लिए कि उनको अधीर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को अधीर नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को धीरज नहीं खोना चाहिए, यही पहचान होती है एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी की। मगर आश्चर्य का विषय है, कांग्रेस आज से ही नहीं, बहुत समय से अधीर हुई पड़ी है। 2014 के हार के पश्चात जिस प्रकार से लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, तू नीच है, जाके तू चाय बेच, जिस प्रकार की मीम आप देखिए कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल्स ने ट्वीट किया, उस पर भी कई डिबेट हुए हैं। मौत के सौदागर से लेके खून की दलाली, ये सारी गालियां हमने मोदी जी के लिए सुना हुआ है। मगर 2019 के बाद हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। इतने बड़े हार के पश्चात जब राहुल गांधी स्वयं ये सोच रहे हैं कि वो अब अध्यक्ष पद के लायक नहीं है, उस समय इस प्रकार के शब्द का प्रयोग और ये हिंदी के पीछे छुपना, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। आप मुझे बताइए अमीश भाई, कौन से कांग्रेसी की हिंदी अच्छी है? मनीष शंकर अय्यर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नीच, तू नीच है, फिर जब पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। शशि थरूर कहते हैं हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा भारतवर्ष, पकड़े जाते हैं तो कहते हैं मुझे हिंदी समझ में नहीं आता है। मोबाइल में खेलते हुए राहुल गांधी पकड़े जाते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय और जब उनसे पूछा जाता है शर्मा आनंद शर्मा जी से कि ये क्या हो रहा था, नहीं उनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा था तो वो गूगल कर रहे थे हिंदी का। और आज अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हमें हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो ये सारे हिंदी के पीछे छुप रहे हैं। हिंदी में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी इनके नियत में है, इनके नियत में गाली भरा हुआ है। और एक साधारण परिवार से उठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? इनको वो गंदी नाली की तरह लग रहा है। जी नवाब मलिक, आप भी विधानसभा में रहे, आपने भी कार्रवाइयों को देखा है, कई बयानों को एक्सपंज किया जाता है, लेकिन जब एक्सपंज करने के बाद अब सामने आते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ उस समय मुझसे गलती होगी, आवेश में गलती हो गई, लेकिन अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्लैरिफिकेशन थोड़ी देर पहले जो दी जाती है वो ये दी जाती है, इस समय ये ब्रेकिंग स्टोरी है हर जगह, इस समय क्लैरिफिकेशन ये दी जाती है नवाब मलिक कि एक तरह से हिंदी मेरी कमजोर है और नाली और गंगा में फर्क होना चाहिए, नरेंद्र मोदी नाली की तरह है। क्या आपको लगता नहीं है ये प्रकाष्ठा है
वैमनस्य की, ये नेगेटिविटी की प्रकाशता है अपनी तरफ से? देखिए अमित देवगन जी, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में स्पीकर अगर किसी चीज को कार्रवाई से निकाल दे तो उसे प्रसारण करना, प्रकाशित करना उस पर प्रतिबंध होता है, ये सच्चाई है। मुझे लगता है पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इतने कमज़ोर हैं कि इस मुद्दे पे आज हम टीवी पे बहस कर रहे हैं, आप दिखा रहे हो, अखबार वाले पोर्टल वाले खबर छाप रहे हैं। अगर मजबूत पार्लियामेंट्रियन हो तो अधिकार का हनन का नोटिस दे, तो जिन लोगों ने खबर छापी है, जिन लोगों ने चर्चा लगाई है, सभी लोगों को हाजिरी लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है बहस ना हो, जो स्पंज कर दिया गया, निकाल दिया गया, हमें लगता है वो कार्रवाई में नहीं है और उसको दिखाना, उस पर बात करना ये उचित नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं भी संपादक हूँ, मैं भी एक अनुभव से बोल रहा हूँ कि हमने उसको नहीं दिखाया गया, और ये जब बाहर निकल के क्लैरिफिकेशन दी गई, उस बात को बोला गया, उसको हमने दिखाया। बिल्कुल आपकी बात 16 आने सच है, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन 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 वो दोबारा बोला गया बाहर आकर। संबित पात्रा भी इसको कुछ रिएक्ट करता था, संबित पात्रा 20 सेकंड आपको दे रहा हूं अपनी बात को रिएक्ट करिए। मुझे इसको टेक्निकली ठीक कर दूं नवाब मलिक साहब को। देखिए जो एक्सपंज का टेक्निक होता था, नवाब मलिक जी ने ये बात तो सही कही कि जो एक्सपंज हो गया वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहेगा, रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं रहेगा। ये प्रोसीजर कब का है? ये प्रोसीजर तब का है जब टीवी नहीं होते थे, ये प्रोसीजर तब का है जब सोशल मीडिया नहीं होता था और कोई भी रिले नहीं होता था, पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी जो घटित होता था वो दिखाया नहीं जाता था। अब बताइए, जिस समय लाइव हम सब बैठे घरों में देख रहे थे, लोकसभा टीवी देख रहे थे, न्यूज 18 देख रहे थे, तो हम जब देख रहे थे उस समय तो अधीर रंजन लाइव कह दिया ऑलरेडी, आप उसको हमारे मन से एक्सपंज कैसे करिएगा? उस जमाने में टीवी नहीं होता था, आप उसको एक्सपंज करते थे। अब तो सोशल मीडिया ने ट्वीट कर दिया, बहस ही नहीं है, ये एक्सपंज हो, देखिए ये वो अलग, देखिए नवाब मलिक नहीं चाहिए। आप बड़े अनुभवी है, आपने अनुभव से इसको अपने तरीके से घुमाया, आपने बोला एक्सपंज कर दिया गया, इसको दिखाना चाहिए। विषय तो ये है, क्या ये कहना चाहिए था? विषय तो ये है, और बाहर निकल के जब सफाई दी गई तब ये कहना चाहिए था? है दोबारा दिखाया नहीं जा सकता, माफी मांगी वो भी दिखाया गया। हमें लगता है कि जो चीज पार्लियामेंट की कार्रवाई में नहीं हो, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसे दिखाना ये नियमों का उल्लंघन है। अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो कल ही अधिकार के हनन का नोटिस लगा के जिन लोगों ने छापा है, जिन लोगों ने दिखाया है, या जो लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई करवा देता। पार्लियामेंट का अधिकार है, जो कार्रवाई में नहीं है उसको आगे बढ़ाना, प्रचारित करना, प्रसारित करना, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाता है। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का नियम है, ये समझना पड़ेगा। नहीं, अभी तो आप मुझे ये बताइए, ये बोलना कि कुछ लोग बेवकूफ बनाकर सत्ता में आ जाते हैं गुलाम नबी आजाद का, ये भी सही था नवाब मलिक? मैं आपको दोबारा मौका देता हूं, आप नाली पर कुछ नहीं बोलना चाहते, वो आप कह रहे हैं एक्सपंज है, लेकिन बाहर निकल के जो इस बयान को एक्सपंज किया गया, उस बात को रिपीट करा गया, उस बात ही को रिपीट करा गया। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, शायद आपकी बात जानकारी, वो क्या बोल रहे हैं वो उनका विषय है। कुछ लोग, आप मेरे, जरा सुनिए, आप जरा सुनिए, सुनिए अमित जी, लंबी लंबी फेंकने वाले संसद में आ जाते हैं। ऐसा है, आप जरा सुनिए ना, जरा आप सुनेंगे जी, आप मेरे नेता का फोटो लगा के बोल रहे हो कि पूरे अपोजिशन को प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए। हमारे नेता ने क्या बोला है पार्लियामेंट में? हमारे पार्टी ने क्या बोला है? आपको अगर विपक्ष से माफी मंगवाना है तो माफीनामा बना के ले आइए, रख दीजिए कि भाई दस्तखत करो और माफी मांग लो। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष से माफी मंगवाने की शुरुआत आप कर रहे हैं, हमें लगता है कौन सा लोकतंत्र बचेगा? अरे माफी मंगवाना था तो 9 हत्याएं हो गई, अमित शाह से माफी मंगवा लेते, 159 बच्चे मर गए, स्मृति ईरानी से, हर्षवर्धन से, नीतीश कुमार से माफी मंगवा लेते। अगर माफी मंगवाना था तो रघुवर दास से माफी मंगवा लेते। लोकतंत्र में कहाँ रहना है ये जरा आप लोगों को समझना पड़ेगा। आपकी बात सही है, हम लोगों से माफी नामा लिखवाना है तो दिखा के लाइए, और तस्वीर दिखा के हम लोगों को बदनाम कीजिए। ना 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 ना, ये अमीश देवकर नहीं कह रहा, क्या लिख रहे हैं लोग, नहीं कह रहा, ये प्रताप सारंगी ने सदन के अंदर बोला कि नरेंद्र मोदी से माफी मांगी है, ये प्रताप सारंगी को हमने कोट किया है, जो केंद्र में मंत्री है और ओडिशा के सांसद है, और सबसे गरीब सांसद है, सबसे गरीब सांसद है वो,
उन्होंने ये बात बोली है सदन के पटल पर कि पूरा विपक्ष मोदी से माफी मांगे। एक एक उन्होंने उन्होंने आईना दिखाते हुए ये बात बोली। सांसद नहीं कोई भैया, कोई गरीब सांसद नहीं है। ग्राहम स्टेन के मर्डर के वो कातिल रहे, उनके ऊपर मुकदमा चला। ये जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र में एक भिड़े गुरु जी है, उसी तरह के वो प्रचारक हैं, गरीब बना के देश की जनता को गुमराह ना करें। समझ पाता, हमारे नेता की तस्वीर हटाए, मैं आपसे विनती करता हूं। ओके ओके, इट्स बीन 3 मिनट्स। हमारे नेता की तस्वीर आप हटाइए, इस तरह से विपक्ष को बदनाम ना करें। ना ना, हम बदनाम नहीं करें। प्रताप सारंगी ने समूचे विपक्ष को बोला कि आप लगा रहे हैं विपक्ष माफी मांगे, क्यों मांगे भाई? भाई प्रताप सारंगी, आप माफी मांगिए। प्रताप सारंगी ने बोला है लेना देना, आप माफी मांगिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे, 9 लोगों की हत्या हो गई। हम मांग कर रहे हैं कि 149 आपको पता है न्यूज 18 ने, मैंने पूरी कैंपेन चलाई नीतीश कुमार के खिलाफ, मैंने पूरी कैंपेन चलाई नीतीश कुमार के खिलाफ, हेल्थ मिनिस्ट्री के खिलाफ। आपको क्लैरिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है। आज आप बड़े दिनों बाद कार्यक्रम में आ रहे हैं, आपको पता नहीं है। आप जुड़िए हमारे साथ कार्यक्रम में, आप देखिए हमने हालत खराब कर दी नीतीश कुमार की, और इस्तीफा तक मांगा। और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी, सब्जेक्ट अलग बताते हो, सब्जेक्ट बदलते हो, लोगों को गुमराह करते हो, इसलिए मैं इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ। धन्यवाद। नहीं देखिए, अब ये गलत है डिबेट छोड़ के जाना। ओके, आप मुझे आने दीजिए। समित पात्रा, हाँ जाने दीजिए। नहीं नवाब मलिक, नवाब मलिक, ये अमीश भाई, आप ये डिबेट गलत बताते हो। हमने डिबेट वही बताई। क्यों बोलेंगे नरेंद्र मोदी को कि तुम नाली के जैसे हो, और बोलेंगे बहस भी ना करें, और निर्देश देंगे हटाए। नहीं हटाते हम लोग। आप लोग अपने आप को समझते क्यों हो आप लोग? समित पात्रा, मैं जवाब देता हूं। अमीश भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा अभी नवाब मलिक जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, आप पता नहीं आपने कैसे सुन लिया। उन्होंने कहा, पहली बात तो उन्होंने कहा कि मैं अगर पार्लियामेंट के अंदर होता तो मैं किसी को नहीं छोड़ता, ना तो आपके चैनल को छोड़ते, ना तो हम में से किसी को छोड़ते जो डिबेट में आए हैं, ना सोशल मीडिया में जो जनता ने ट्वीट किया हुआ है इस नाली वाले पे, उन पे छोड़ते, मुकदमा करते, हराते, हमारे खिलाफ वो मानहानि का केस ले आते। कमाल का अहंकार होता है ना इन लोगों में, कितने अहंकारी है। आप सोचिए, हम सच्चाई के खिलाफ, मतलब सच्चाई जो जो जिस प्रकार की गाली दी गई है मोदी जी को लेकर, जिस प्रकार की बातें पार्लियामेंट में हो रही है, एक साधारण आदमी उस पर बात भी नहीं कर सकता है, और एक न्यूज रिपोर्टर उस पर रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकता है, एक चैनल उसे दिखा भी नहीं सकता है, क्योंकि ये अहंकारी लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर तुम ऐसे करोगे। ऊपर से वो आपको धमकी दे रहे, अपना ट्विटर हैंडल में जाको तू तड़ाक करके। एक तथाकथित इतना बड़ा नेता, जिसको आप बड़े सम्मान से हर दिन शाम को बुला के यहां पता नहीं क्यों बैठाते हैं, वो तू तड़ाक करके चला जाता है। ये हिंदुस्तान की राजनीति है। इसी व्यवहार के कारण अमीश भाई, इसी व्यवहार के कारण इतने वर्षों पुरानी पार्टी आज मिट्टी में मिल गई है, मिट्टी में। ये अहंकार जो कांग्रेस, ये एनसीपी, ये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में हम देखने में पा रहे हैं। अरे आपको जनता ने चुना है ना, आप माथा नीचे करके जनता के पैरों पे हाथ लगा के उनको सर्व करिए। ये क्या तू तड़ाक की भाषा, ये क्या गाली देना कि मैं छोड़ के चला। अरे आप क्या, हम सब छोड़ के चले जाएंगे तब भी ये दुनिया बंद नहीं होने वाली है, तब भी भारतवर्ष की राजनीति, पार्लियामेंट बंद नहीं हो जाएगा। ये इतनी अहंकार की भाषा, यही इनके हार का कारण है, और यही अधीर रंजन चौधरी आज दोबारा कर रहे थे। इसी अहंकार के कारण आज गांधी फैमिली निस्तुनाभूत होने के कगार पे खड़ा है। नहीं, मैं महमूद पाचा आपका रुख करता हूं। आज जब सदन में प्रताप सारंगी बोल रहे थे, उसके जो सबसे गरीब सांसद और मंत्री हैं, जब वो बोल रहे थे तो सोनिया गांधी थोड़ा नाराज हो गई कि कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी वायनाड चले गए, वो कैसे कह सकते हैं इस बात को। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने जो बोला वो कह सकते थे, वो बताइए आप मुझे। अमीश जी, सबसे प्रथम बात तो यह है कि कानून की बात करना, संविधान की बात करना तो आज के दौर में पाप ही हो गया है। और हम समित पात्रा जी इतने नाराज हो रहे थे नवाब मलिक साहब पे, उन्होंने एक कानूनी बात बताई थी। खैर, मैं उस पर नहीं हूँ, मुद्दे पे रहना चाहता हूँ। क्योंकि अगर, और संबित पात्रा जी हमारे इतने बड़े विद्वान हैं हिंदी के, तो हिंदी में यदि वो स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र मोदी जी में अगर कंपैरिजन करना चाहेंगे तो क्या ये कंपैरिजन उचित होगा कि एक व्यक्ति गंगा है और दूसरा एक छोटी नदी है? क्या ये कंपैरिजन उचित होगा या अनुचित होगा? संबित पात्रा जी जवाब दें। यदि इसको, इसका व्याख्यान करने में यदि कुछ त्रुटि हो गई एक हिंदी ना जानने वाले से, तो उसकी मूल भावना की ओर जाना चाहिए या उसको एकदम इस बात की क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी उसको एकदम कटकड़े में खड़ा करना चाहिए? और मिट्टी में मिल गए जो इतने ये शब्दों से
इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को नवाज रहे हैं, मिट्टी में मिल गए, तो अहंकार किसका है ये भी शायद दुनिया देख रही है, किसमें अहंकार है। और जो अपने आप को एक तुच्छ नागरिक बताना चाहते हैं, जबकि वो डायरेक्टर हैं हमारी इस नवरत्न कंपनी के, इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतनी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपने आप को एक तुच्छ व्यक्ति बताना चाहते हैं। और नवाब मलिक साहब को छदम रूप से इस बात के लिए एक एक वो उलाहना देना चाहते हैं। तो ये किस व्यक्ति में और किन लोगों में वो आ गया है, अभी प्राइड आ गई है, किन लोगों को एकदम बात करने की भी, सामने वाले को बोलना भी नहीं देना चाहते। ठीक है, आपने अपनी बात को बोला, डेढ़ मिनट सुना आपको, एक सेकंड। आपने समित पात्रा से सवाल पूछा, समित देखे अवनीश अवस्थी को मुझे लेना था, आपने समित पात्रा से सवाल पूछा, जवाब ठीक है। अभी वो नवाब मलिक कह रहे थे मेरे नेता की फोटो हटाओ, फोटो लगी है, हट नहीं रही है, और वो यहाँ पर कहते फोटो हटाओ। हमने क्या बोला, हम बोल रहे हैं ऐसी बात, और कह रहे फोटो हटाओ, हमारे नेता की आदेश दे रहे हैं, जैसे अपनी सरकारों में आदेश देते होंगे कई पत्रकारों को, जो हटाते भी होंगे इन लोगों की फोटो, लेकिन अमीश देवगन तो नहीं हटाने वाला, और चला रहा हूं। ओके, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड महमूद प्राचा, आपने अपनी बात को कह लिया ना, सभी तत्व, लेकिन ये पूछ लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जी में और नरेंद्र मोदी जी में अगर कंपैरिजन होगा, गंगा और एक छोटी नदी बोला जाएगा, तो क्या ये उचित है? छोटी नदी बोला गया, पूछ लीजिए इनसे, झूठ बोलते हो महमूद प्राचा, झूठ शर्म नहीं आती तुम्हें? चलिए मैं उत्तर, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? एक सेकंड सब, एक सेकंड, गंदी नाली को छोटी नदी कहते हो? मैं उत्तर, मैं शर्म भी नहीं आती तुम्हें, क्योंकि यही झूठ बोलते बोलते तुमने 70 साल तक राज किया, कांग्रेस के पदाधिकारी होकर के, प्रॉक्सी बनकर के, राजनीति विश्लेषक वकील बन के आते हो, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? आप देखिए, गंदी नाली कहा, देखिए ना, नजर आ रहा है कितना कितना विवेक, कितना संयम, गंदी नाली कहा, कितना संयम, गंदी नाली कहा कि नहीं कहा, संयम, स्वामी विवेकानंद जी से बड़े हैं नरेंद्र मोदी जी, ऐसा मानने को मैं तैयार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, आप जितनी गाली दे ले, अगर ये लोकसभा की विवेकानंद जी है उससे बड़ा मैं नरेंद्र मोदी जी को मानने को तैयार नहीं हूँ, लोकसभा की कार्यवाही बिल्कुल तैयार नहीं होती होती, आप लोग कितना चिल्ला ले, स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र मोदी से बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। मलिक की बात सुन लीजिए, महमूद प्राचा उसकी बात सुन लीजिए, आपको मालूम है कि संसद का प्रोटोकॉल जिसका नवाब मलिक उदाहरण दे रहे थे, जिसकी दुहाई दे रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री के पद के, प्रधानमंत्री के स्थान के पास जाकर के उनको गले लगा लेना, ये संसद के प्रोटोकॉल में नहीं है। आज नवाब मलिक को संसद का प्रोटोकॉल नजर आ रहा है कि जो एक्सपंज कर दिया उसको आप दिखा नहीं सकते, उसको आप बात उसमें बात नहीं कर सकते, उस समय नजर नहीं आया था। और कौन कह रहा है कि गूगल से देख रहे थे, संसद में क्या ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं होता क्या स्पीचेस का? किसको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग, फिर झूठ बोल रहे हो आप? जनता ने आपको आईना दिखा दिया, उसके बावजूद झूठ बोलने से, गाली देने से बाज नहीं आओगे तुम लोग? नदी तो बोला नहीं गया, हमारी तो आवाज ही बंद कर रखी है आपने, हम कहां से बोलेंगे? अरे झूठ बोल रहे हो, गाली आवाज बंद कर रखी है, छोटी नदी तुमने गंदी नाली नहीं कहा, आपने फैक्ट को ट्विस्ट करा, आपने फैक्ट को ट्विस्ट करा, आपने गलत बोला, अरे शर्म भी नहीं आती आपको, झूठ बोलते हुए और गलत बोला आपने, बोला नदी बोला, ट्विस्ट नहीं करा, नाली बोला गया, पहले गंदी नाली बोला गया, उसके बाद बोला गया कहां गंगा और कहां नाली, ये कंपेयर किया गया, मैं बाइट को दोबारा सुना सकता हूँ, जो बाइट सदन के बाहर दी गई, किसी आपके सैकड़ों चैनलों को दी गई, यही सुनाऊं यहीं पर, यही सुनाऊंगा, अभी सुनाऊंगा मैं बाइट को, मैं बाइट को प्ले करता हूँ, तमाम व्यूअर सुने, तमाम व्यूअर सुने, चेतन सिंह आप भी सुने, तौसीफ खान आप भी सुने, मैं बुद्ध राचा रुकी आप भी सुनिए, और नवाब मलिक साहब भी सुने, तो डिबेट में नहीं है, छोड़ के चले गए, बंगाली में बात करेंगे तो शायद इतना, अरे जनाब बंगाली ओडिया स्वामी विवेकानंद के साथ सुनिए भाई, एक बराबरी कर रहे थे, मैंने कहा कि आप स्वामी विवेकानंद जी के साथ किसी को तुलना ना करो, स्वामी विवेकानंद एक गंगा है जहाँ नरेंद्र दामोदर नारायण मोदी उनकी तुलना में एक नाली है। मैं बंगाल के आदमी हूँ, उतना अच्छा तो हिंदी नहीं जानते, लेकिन फिर भी अगर इस शब्दों से अगर कोई ठेस पहुँचे, कोई दुख हो, मैं खुले आसमान की तले खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मैं क्षमा प्रार्थी। महमूद प्राचा, शायद आपने सुन लिया होगा, 30 सेकंड में अपना जवाब भी तैयार रखिए। अमीश देवगन जी, आपने जो गंदी शब्द जोड़ा था वो कहाँ है? लोकसभा में देवगन साहब, गंदी शब्द जो आपने जोड़ा था वो कहाँ है? कौन तख्ती मड़ो रहा है? मॉन्स्टर का बोला है, मॉन्स्टर किसको बोलते हैं अंग्रेजी में? मॉन्स्टर किसको बोलते हैं? नाली का अर्थ आपने, वन इज लॉन्ग के अदर वाज इन मॉन्स्टर, ये है आपकी पत्रकारिता, अगर अगर ये पत्रकारिता, नाली बोला था तो ये शब्द एक्सपंज क्यों किया लोकसभा से?
ये पत्रकारिता क्यों किया, क्यों किया? कार्रवाई से मतलब अगर इतनी अच्छी बात बोली थी, इतनी अच्छी बात बोली थी, इतनी अच्छी बात बोली थी तो माफी क्यों मांगी? एक सेकंड, ऑल ऑडियोस डाउन, ऑल ऑडियोस डाउन, ऑल ऑडियोस डाउन, ऑल ऑडियोस डाउन। तौसीफ खान, मैं आपके पास भी आऊंगा। संबित पात्रा, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। तौसीफ खान भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, चेतन सिंह भी इंतजार कर रहे हैं। संबित पात्रा, हिंदी कमजोर है, दादा की हिंदी कमजोर है, समझ गए? तो नाली, गंदी नाली, उनको सब बराबर लग रहा है और नदी भी बराबर लग रहा है। नदी और नाली में उनको फर्क ही नहीं पता, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। इतना नहीं, नहीं झूठ आप बोलिए, लेकिन झूठ की प्रकाशता मत करिए। प्रकाशता है, अंग्रेजी तो दादा को पता थी। वन इज मॉन्क एंड वन इज मॉन्स्टर, एक संत है और दूसरा भूत। सुनिए आमिश भाई, पहले तो कुछ सच्चाई की बात हो जाए। सुन लीजिए, पार्लियामेंट के पटल पे अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि एक गंगा है और एक गंदी नाली है। जब इसको पहले इनको शांत तो करिए, ये क्यों नॉनस्टॉप चिल्लाते हैं? इतने व्याकुल मत हुआ करिए ना महमूद प्राचा, अपनी टर्न का वेट करिए। आपको बराबर का समय मिला है, हर थोड़ी देर में बोल देते हैं मेरी आवाज दबाई जा रही है। किसकी आवाज दबाई जा रही है? गाली तो आपकी बदस्तूर जारी है, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। रुकिए ना थोड़ी देर के लिए आप लोग, आप लोग धमकी भरी पॉलिटिक्स बंद कर दीजिए। आपका दौर जा चुका है, अपनी धमकी देना बंद करिए इस देश के अंदर। ओएनजीसी के, अरे सर ओएनजीसी के डायरेक्टर है, चोरी तो नहीं करिए ना कुछ? डायरेक्टर होके नवरत्न कंपनी के, कमाल है महमूद प्राचा, आपके दिवालियापन पे नहीं लगाई ये लांछन आप लगा सकते हैं। चोरी किया नहीं किया अभी मैंने नहीं लगाई है। एक सेकंड रुकिए ना, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अमीश जी जानकारी होगी तो जरूर। एक सेकंड महमूद प्राचा, यू वेस्टिंग पीपल्स टाइम, आई हैव टू पुट योर ऑडियो ऑन, आई हैव टू पुट योर ऑडियो ऑन। बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, तौसीफ खान वेट कर रहे हैं, चेतन सिंह वेट कर रहे हैं अपनी टर्न के लिए। समित पात्रा, मेक योर पॉइंट। देखिए, पहली बात है कि अधीर रंजन चौधरी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि गंदी नाली का कीड़ा, गंदी नाली को एक्सपंज किया गया, तो बाहर आके उन्होंने कहा गंदी नाली से मेरा मतलब केवल नाली था, गंदी शब्द को उन्होंने बाहर आके हटा दिया। एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये प्राचा है ना, इस प्राचा को रोज टीवी पे बुलाना, 24 का चुनाव भी है, अभी 3 राज्यों का चुनाव भी है, ये प्राचा जैसे लोग बहुत मददगार होते हैं। आप देखो कांग्रेस को बुद्धि देर से आई, उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को हटाया, मगर ये जो सपोर्टर है ना प्राचा इत्यादि, इनकी बहुत आवश्यकता है। ये दिखाते हैं घृणा क्या होती है, ये दिखाते हैं कि ये इनको देख देख के लोग जानते हैं कि किसको वोट देना है और किसको बाहर रखना है। इसलिए इस प्राचा को छोड़ना मत, हर दिन डिबेट में बुलाना। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये कह रहे थे विवेकानंद संत है कि नहीं है, कौन कहता है, विवेकानंद से बड़ा संत कोई नहीं। अच्छी बात है कि आप विवेकानंद जी को कम से कम मानते तो हैं, आप तो ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी कह के रोज गाली देते थे विवेकानंद को। आज मुझे खुशी हुई कि यही प्राचा विवेकानंद के चरणों को छू रहा है, कितनी बड़ी बात है। ये हम हमेशा पहले कहता था कि वो जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, शिवोहम सच्चार चर पर पूर्णम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ये सनातन की गुठली है, ये सनातन का बीज है। प्राचा जी, आप भी शिव हैं, आप में भी शिव तत्व है, आप भी गंदी नाली नहीं है, आपने जन्म लिया है तो आप में भी वो सारे दिव्य गुण हैं। अब आप जान नहीं पा रहे हैं, आप प्राचा जी ऐसे हो गए हैं, ये तो आपके ऊपर राहुल जी का साया पड़ गया है तो आप ऐसे हो गए हैं। और प्राचा जी, मैं ONGC का डायरेक्टर नहीं हूं बाय द वे, और आपकी चोरियों की कारदास्ती मैं गाना शुरू कर दूं ना प्राचा जी, तो यहां मुंह कालिक लगा के आप भागोगे। आपकी सारी सारा कुछ मैं जानता हूं, मगर मैं यहां व्यक्तिगत डिबेट करने नहीं आता हूं, मैं देश के लिए डिबेट करने आता हूं। आप समझ गए प्राचा जी? इसलिए माइंड योर बिजनेस प्राचा जी, और प्लीज हर दिन आते रहिएगा। आप जैसे लोगों के कारण, आप जैसे शख्सियतों के कारण हमें बहुत लाभ मिलता है। पहली ब्रेकिंग न्यूज, मायावती ने कहा अखिलेश यादव ने हमको हराया और अखिलेश यादव की वजह से हम हारे, और मुसलमानों को उन्होंने टिकट नहीं देना चाह रहे थे, यानी मुसलमानों का राग। दूसरी बड़ी खबर, जब नाली वाला बयान दिया गया जिसको संसद से एक्सपंज किया गया, पार्लियामेंट की कार्रवाई से एक्सपंज किया गया। तीसरी बड़ी स्टेटमेंट जो अभी कुछ देर पहले आई है, RJD के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने, राज्यसभा सांसद ने बोला है हिंदू पाकिस्तान ये देश बनता जा रहा है। और चौथी बड़ी खबर आप मान सकते हैं जो ओवैसी साहब का बयान था। अब आप मुझे बताइए, वही राग जो पिछले 5 साल गाए जा रहे थे वही गाए जा रहे हैं, क्या इनका फायदा होगा मोदी को गाली देकर हिंदू मुसलमान करके डराकर? नहीं नहीं, देखिए
देखिए, जितने भी लोग पार्लियामेंट के सदस्य बने हैं उनको चाहिए कि पार्लियामेंट की गरिमा का ख्याल रखें, पार्लियामेंट में डेकोरम मेंटेन रखें, और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ही जो एक्सेप्टेबल चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए वैसे ही शब्द इस्तेमाल करें, चाहे वो शुरू में हमने देखा वो जो रिलीजियस नारेबाजी होने लगा, सारे लोग रिलीजियस नारेबाजी दे लिए, और अभी जैसे आज हमने सुना कि अगर गंदी नाली कह देना, तो ये तो बिल्कुल निंदनीय बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर ये भी है कि अधीर दा ने बाहर आकर के फिर जब उनसे पूछा गया इनसे, तो उन्होंने फिर माफ़ी भी मांगा है। तो आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद कुछ इस बात पर रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो इन छोटे छोटे बातों पर तवज्जो नहीं देना चाहेंगे। क्योंकि देखिए देखिए, एक टू अर इज़ ह्यूमन, एक इंग्लिश कहावत है, टू अर इज़ ह्यूमन, इंसान से गलती हो ही सकती है। और अधीर दा ने ये बात जो बोला है वो सच्चाई है उसमें, कि वो सारी ज़िंदगी बंगाली बोलते आए हैं, और जो बंगाल में जो रूरल, और वो भी मुर्शिदाबाद जो कि रूरल इलाका है बंगाल का, वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनकी हिंदी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। जैसे कनाल, जो रिवर नहीं होता, कनाल होता, गंगा एक रिवर है, और कनाल रिवर नहीं हो, वो नाला है, उसको हम लोग नाला बोलते हैं। कनाल हम लोग कलकत्ता शहर में भी हमारे पास कनाल है, तो वो एक बड़ा नाला। तो उनको वो चॉइस ऑफ वर्ड उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद होना ये चाहिए था कि देखिए, मुझे तो ये बात भी मालूम नहीं था, ये आपके न्यूज़ के चैनल के थ्रू ही जब आप इस पर टीवी डिबेट कर रहे तभी मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ। दूसरी बात ये कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी गंदी नाली हैं। अभी मैंने सुना संबित पात्रा जी ने उनमें ऐड वर्ड भी ऐड कर दिया, कीड़ा। कीड़ा तो कहीं नहीं था, आप ही मुझे सही बात बताएंगे। और दूसरी है कि वो नरेंद्र मोदी गंदी नाली, ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कंपैरिजन के तौर पे किया कि जब आप स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, इस पे तो प्रधानमंत्री खुद इस बात से इंकार कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ी हस्ती हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रताप सारंगी ने उससे पहले बोला कि टुकड़े टुकड़े गैंग को देश में रहने का हक नहीं है, चुनाव में जनता ने वंशवाद को नकार दिया है, कांग्रेस विलेन नहीं होती तो हीरो का महत्व नहीं होता, विपक्ष साथ दे नहीं तो मालूम है जनता क्या करेगी, विपक्ष को पीएम की तारीफ करनी चाहिए, पीएम मोदी के काम की सराहना होनी चाहिए, और विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह के बातें और शब्द आज जब बोला उसके ठीक बाद नाली जैसे शब्द आ जाते हैं चेतन सिंह, और सोनिया गांधी बड़ा परेशान भी हो जाती है जब प्रताप सारंगी कहते हैं कि हमारी स्मृति बहन ने छोटी सी बात में बोल कि वायनाड से मदद, वायनाड ने सहारा दिया राहुल गांधी को, चेतन सिंह जो सबसे महत्वपूर्ण है समझने की बात, यहाँ पर जो भी अधीर रंजन चौधरी साहब ने बोला, बाहर निकल के उन्होंने तुरंत माफी मांग ली। तो माफी कौन मांगता है? माफी वो मांगते हैं जो धागों से नहीं बंधे होते, जिनकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो ही माफी मांगते हैं, पहली बात। दूसरी, अब राजनीति का स्तर देखिए, जो सत्ताधारी दल है वो ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वो विपक्ष में बैठे हैं। तो यहां पर तो सबसे बड़ी समझने की बात ये है, जो सत्ताधारी हैं, समित पात्रा जी हैं, पात्रा साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन वो इतनी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, इतनी शिद्दत के साथ कि भैया ये ऐसा बोल रहे हैं, कीड़ा बोल दिया, ऐसा नाली बोल दिया। अरे क्या आवश्यकता है ऐसी बातें करने की? ये नाली, ये नाली, गंदी नाली का कंफ्यूजन, नाली और गंदी नाली की बात पढ़ने की आवश्यकता है? अच्छा, सोनिया जी इतनी परेशान क्यों हो गई जब अमेठी की बात हुई? जब अमेठी की बात हुई सोनिया जी क्यों इतना परेशान हो गई? देखिए, क्यों परेशान हो गई बात अभी देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर बात करूं, कांग्रेस पार्टी आज की डेट में एक बूढ़ी शेरनी की तरह है जिसके दांत नहीं है, मानते हैं थोड़ी सी रफ्तार भी धीरे हो गई है, लेकिन घुर्रा रही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों टांगे सलामत हैं, अभी दोनों टांगे सलामत हैं और दोबारा मौका मिलके आगे दोबारा जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो समझने की बात ये है, प्लीज बूढ़ी मत कहो, क्योंकि बुढ़ापे के बाद क्या आता आपको मालूम है। अरे आप ये सब बातें छोड़ दीजिए, ये सब बातें छोड़ दीजिए पात्रा साहब, क्या आता है? अरे अवस्थी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप जानते हैं बात को, लेकिन अगर तर्क वितर्क की बात करेंगे यहाँ पर तो समझने की आवश्यकता बहुत बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, 135 साल पुरानी पार्टी है, वक्त की बात है, जहां पर कमी होती है ना, जहां पर कमी होती है वहीं पर ये इस तरह की बातें होती है। अधीर रंजन चौधरी जी ने जो बोला है समझिए, हिंदी का भी बात है, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं, यहां पर नंबर कम है,
सीटें कम, ये हमें पता है आपके नंबर कम है, सीटें कम है, राहुल गांधी अमेठी से हार गए हैं, उसकी नाराजगी है, उसकी खींच है, लेकिन खींच ऐसे उतारी जाएगी। समित पात्रा, हार की खींच में नाली और गंदी नाली बोला जाएगा, हार की खींच में ये बोला जाएगा, हार की खींच में ये बोला जाएगा कि हमारे नेता की फोटो हटाओ। अभी नवाब मलिक ने बोला, अभी नवाब मलिक ने कुछ देर पहले इसी कार्यक्रम में बोला हमारी नेता की फोटो हटाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नवाब मलिक जी ने प्रताप सारंगी ने समूचे विपक्ष को बोला, समूचे विपक्ष में क्या बार बार समूचे विपक्ष में क्या शरद पवार नहीं आते? अहंकार तो देखे झलक रहा है, अच्छा बाहर निकलता जा रहा है, ओवरफ्लोइंग अहंकार है, ठीक है जो बोल रहे हैं ये अहंकार है। मैं तुम्हारी हालत देख लीजिए, आज आपने वो आज आपने शॉट देखा होगा जब सोनिया गांधी नाराज हो गई थी, जब सोनिया गांधी नाराज हो गई थी, जब प्रताप सारंगी ने अमेठी की बात करी थी। चेतन रुकिए, आप लोग रुकिए, चेतन ऑडियो डाउन करो मैं चेतन का। संबित पात्रा, देखिए पहली बात तो है, एक कहावत होती है टू लर्न द लेसन्स। कांग्रेस का जिस प्रकार से सफाया हुआ है इन चुनावों में, बड़े बहुत मैं आराम से कह रहा हूँ, कोई अहंकार नहीं है, उसके बाद कुछ लेसन्स और इंट्रोस्पेक्शन का विषय होता है कि हमें सीखने की आवश्यकता पड़ता है। आप योग दिवस के दिन देखिए, राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं न्यू इंडिया और किस प्रकार की तस्वीर लगाते हैं, पूरे विश्व में जो भारतीय हैं वो छी-छी करते हैं कि राहुल गांधी जी को इस प्रकार का ट्वीट नहीं करना चाहिए। नहीं, पर सब बड़े जर्नलिस्ट जिनको की देखा जाता है कि वो शायद तस्वीर पे मैंने भी ट्वीट करा था वो गलत थी, लेकिन ये प्रताप सारंगी चढ़ा रहे हैं संसद के अंदर अमेठी को लेकर, तो वो भी तो ठीक नहीं है। सुनिए ना, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए कोई इस लेसन, अमेठी में हार गए तो चिढ़ाने वाली बात क्या है, क्यों हार गए? अपने फैमिली फीफडम में जहां से परिवार जीत के आती थी, आप अगर लोगों का काम नहीं करेंगे, दशकों तक आपके परिवार वहां पर सांसद रहेंगे, फिर भी ये लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, तो संसद में ये सब विषय डिस्कस नहीं होगा, डिबेट नहीं होगा, तो संसद क्या है? तीसरी बात है, यहां पर कहा गया कि थप्पड़ मारने, ये जो यहां पर कहा गया कि नाली की बात हुई है, गंदी नाली की बात, इसमें डिबेट भी नहीं होना चाहिए, डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए, और एंड टू अर इज ह्यूमन, जो मिस्टेक्स होती है ये तो ह्यूमन नेचर है। देखिए वो तो ठीक, एक और ह्यूमन नेचर में मिस्टेक हो गई है, बड़ी खबर आ रही है, संसद से बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी के नेता, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वो भाई हमारे पास है, अब आरजेडी के नेता मनोज झा ने तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, आरजेडी सांसद मनोज झा ने का संसद में शर्मनाक बयान है। उन्होंने बोला अब हिंदू पाकिस्तान हो गया है भारत, हिंदू पाकिस्तान हो गया है भारत, एक बन रहा है भारत संसद के अंदर। आरजेडी के सांसद ने राज्यसभा में यह बात बोली है, ये सुनिए, यकीन मानिए यह भी हुआ है। सर जिस दिन ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति टूटी थी ना, उस दिन मुझे लग गया कि बंगाल को तकसीम के दौर में ले जाने की कोशिश हो रही है 46-47, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान 47 से अब तक था ना, हम पाकिस्तान की नकल कर रहे हैं, हम पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं, हम हिंदू पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं और काफी हद तक सफल हो रहे हैं। सर बड़ा बयान, हम हिंदू पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं। मैं बीजेपी से ऑफिशियल रिएक्शन लेता हूं पहला। संबित पात्रा, क्या रिएक्शन है आपका, हिंदू पाकिस्तान बनने जा रहे हैं हम? बड़ा दुख का विषय है, मनोज झा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, प्रोफेसर भी हैं और व्यक्तिगत रूप से भी मैं उन्हें जानता हूं। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मनोज झा जैसे इतने बड़े व्यक्ति हिंदुस्तान की कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हुए ये कहेंगे भी कि हम पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज पाकिस्तान क्या है? एक भिकमंगा देश, एक देश जो अपने ही जनता को खिला नहीं पा रहा है। आज पाकिस्तान क्या है? इंपोर्टर ऑफ टेररिज्म, जो आतंकवाद को दूसरी जगह भेज रहा है। पूरे विश्व में कहीं आतंकवादी गतिविधि होती है तो उसके पीछे किसी देश का नाम है तो वो पाकिस्तान है। आज हिंदुस्तान क्या है? आज हिंदुस्तान मतलब इकोनॉमी, हिंदुस्तान मतलब ग्रोथ, हिंदुस्तान मतलब पीस, सौहार्द, ट्रैंक्विलिटी। और इसीलिए तो 2019 में जनता जनार्दन ने, किसी और देश ने नहीं, जनता जनार्दन ने खुद नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ पुनः इस देश का मुखिया, इस देश का सेवक चुना है। तो इसलिए जब आप कहते हैं कि हिंदू पाकिस्तान, ये ना केवल हिंदू मैं पूछ रहा था क्या आपको लगता है ये शर्मनाक बयान है? करोड़ों वर्षों की संस्कृति के प्रतीक गाली है। महमूद चाचा, ये शर्मनाक बयान है कि भारत हिंदू पाकिस्तान बनता जा रहा है, हम 47 के बाद वाला पाकिस्तान बनता जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर अखिलियतें अभी भी सुरक्षित है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या हमारे देश को कटोरा मांग के किसी से मांगना पड़ रहा है जो मनोज झा ने बोला, क्या ये बहुत निंदनीय नहीं है? मनोज झा को तो हिंदी भी अच्छी तरह से आती है।
चलिए मेरी भी हिंदी सुन लीजिए अमीश देवगन जी, अगर आप में शक्ति है तो जी। और खास तौर पे संबित पात्रा जी में, पिछले 5 साल में देश के ऊपर 27 लाख करोड़ का डेट बढ़ गया है, कर्जा बढ़ गया है। उससे पिछले जो 70 साल थे उसमें 55 लाख करोड़ का था। नहीं, तो क्या कहना चाह रहे हैं 27 लाख करोड़? नहीं, आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं 5 साल में? इसीलिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ इसी प्रकार, मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू पाकिस्तान है, हम बन रहे हैं, वो आप उनकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी ये नहीं बोला, आप उनकी बात को सपोर्ट कर रहे, झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता मेरा देश हिंदू पाकिस्तान है, मुझे लगता है मेरा देश हिंदुस्तान है और रहेगा। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, इस पर भी हम आपसे बहस करेंगे। और मुझे पता है निवेदेश अवस्थी आप भी कुछ कहना चाहते हैं। बड़ी खबर, आरजेडी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के अंदर मनोज झा का बहुत बड़ा और शर्मनाक बयान है, हिंदू पाकिस्तान बन रहा है भारत, यह स्पष्ट रूप से उनका कहना है। और उनकी हिंदी भी अच्छी है, इसमें कोई दोराय नहीं है। मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में अवनीश अवस्थी हैं। अवस्थी जी, महमूद प्राचा कह रहे थे हमारे पे कर्ज इतना है तो हम पाकिस्तान बन गए क्या? नहीं, 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 हम आतंकवाद सप्लाई कर रहे हैं क्या? महमूद प्राचा फिर दोबारा फिर वही बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। अरे ये हिंदू तालिबान कहा था शशि थरूर ने, हिंदू आतंकवाद कहा था सुशील कुमार शिंदे ने, और उसी कड़ी में आज मनोज झा ने हिंदू पाकिस्तान कहा। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद का देश है, उस तरीके से भारत वर्ष अब हिंदू आतंकवादियों का देश बनता जा रहा है, ये कह रहे हैं वो। नहीं, ये तो आपकी, आप ये नहीं, तो मेरा नहीं, नहीं कर रहे। आप बता दीजिए, आप सुना दीजिए जी। हिंदू कर्जदार की तरह पाकिस्तान की तरह कर्जदार बनता जा रहा है। नहीं नहीं, मैं तो आसिफ खान, आपको भी लग रहा है कि हम हिंदू पाकिस्तान बन रहे? मैं आपकी राय ले लेता हूँ जो मनोज झा ने बोला, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा जो टूटी थी उसके संदर्भ में ये बात बोल गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा जो टूटी थी जब अमित शाह के काफिले पर हमला हुआ था, उसकी बात है ये, उस दौरान की बात करते हुए बोला गया। नहीं, ये तो सच्चाई है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा टूटी गई। उसके अलावा ये भी सच्चाई है कि आए दिन यहाँ पे लिंचिंग हो रहा है। झारखंड में एक हादसा हुआ कल, और फिर आपके कोलकाता में मेट्रो ट्रेन पे भी लोगों ने आके मार दिया गया। बशीरहाट में 150 हिंदुओं के घर जला दिए गए, उसकी बात कर रहे हो ना? एक सेकंड, उनको 40 सेकंड बोलने दीजिए। नहीं, देखिए डॉक्टर की आप बात उठाएंगे तो उसमें तो एक सवालिया चिन्ह अभी भी है। कोई भी उस पर हिंसा की सपोर्ट नहीं करता। ये आप लोग टीवी में कहते आगे कि हिंसा की सपोर्ट की जा रही है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को लोगों को मालूम नहीं है, उस पर सवाल ये उठता है ना? नहीं, उस पर सवाल ये उठता, देखिए क्या हिंदू पाकिस्तान बन रहे हैं? आपकी मुल्क की तुलना हो सकती है भारत वर्ष की, हिंदुस्तान की तुलना हो सकती है? नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, मनोज झा ने यह कहा है कि पाकिस्तान इस्लामिक आतंकवादी देश है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है कि आए दिन, देखिए हमारा देश किस तरफ जा रहा है कि 170 के लगभग का आंकड़ा है कि बिहार में बच्चे मारे गए, और उन्हें हम ये नहीं कहेंगे। बिल्कुल गलत, आपने बच्चों की बात बोली, हमने उस पर बहस करनी चाहिए, लेकिन आप मेरे मुल्क को हिंदू पाकिस्तान बोलेंगे? मैं कहता हूँ ये देश सनातन है और इस देश की मर्यादा है, और इस देश ने कई हमले किए हैं। क्लेरिफिकेशन लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू पाकिस्तान का फॉर्मूला निकालते क्यों नहीं बात करते? एक महमूद प्राचा, बिहार सरकार हिंदू पाकिस्तान के सपोर्ट में आप जो खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं? क्यों आपको अपना मुल्क पाकिस्तान के बराबर दिखाई देता है? डेड बॉडी वापस, क्यों आपको हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं दिखाई देता? ये कैसा कानून बना रहे हैं? एक सेकंड, महमूद प्राचा, वो अमीश देवगन जी, वो दिन कैसा होगा जब आप मुझे इन लोगों के मुकाबले में कम से कम 50% टाइम तो देंगे, तब इनकी क्या हालत होगी? पहली बात तो ये, मुझे मौका दीजिए। पहले मैं जो नवाब मलिक साहब गए थे, डिबेट चेंज होने पे गए थे ना, अब आपने फिर डिबेट चेंज कर दी ना, आप मुझे उसका जवाब देने देंगे ना इसका जवाब देने देंगे? पहले विवेकानंद जी का जवाब देता हूँ। पहली आपके मुकाबले, आपको वर्णाश्रम धर्म के मानने वालों के मुकाबले, मतलब मैं वही बता रहा हूँ ना, बोलने दीजिए ना।
अंबेडकराइट्स को भी बोलने दीजिए, डिबेट चेंज कर दी, अरे मेरे देश को राज्यसभा में हिंदू पाकिस्तान कहा जाएगा, आप करेंगे डिबेट चेंज कर दी, डिबेट क्या चेंज करनी है, अंबेडकरवादियों को नहीं नहीं डिबेट क्या चेंज करनी है, कोई बोलेगा नाली है, कोई कहेगा गंदी नाली है, कोई बोलेगा हिंदू पाकिस्तान है, आप बोलेंगे डिबेट भी मत करिए, आपके आदेश से सब कुछ होगा क्या, आप लोग मौका दे रहा हूँ ना, आश्रम धर्म के मानने वालों अंबेडकर वादियों को भी बोलने का मौका तो दो, शकल नहीं मिलेगी दिखाने के लिए, किसी का भी बोलना, बोलिए बोलिए आपको वक्त दिया 40 सेकंड दिया, बोलिए पहले 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 विवेकानंद जी के टॉपिक पे जिस पे डिबेट थी उस पे बोलते हैं, हिंदू पाकिस्तान पे क्या कहते हैं, अमित पात्रा जी ने जो कहा ना विवेकानंद जी में, वो भी कहूंगा पहले विवेकानंद जी पे बोलने दीजिए क्योंकि टॉपिक वो था, नहीं तो आप जो आदेश करें वही बोलेंगे, पहले विवेकानंद जी पे, संबित पात्रा जी मैं क्योंकि विवेकानंद जी जो थे इसलिए उनको अच्छा मानता हूं क्योंकि उन्होंने ज्योतिबा फूले जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गुरु थे उनके उनके पदचिन्हों पे चल के वर्णाश्रम धर्म के खिलाफ बोला इसलिए मैं इज्जत करता हूं उनकी, उन्होंने छुआछूत के खिलाफ बोला इसलिए विवेकानंद जी की इज्जत करता हूं, अब आप आ जाइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे, उन्होंने ये बोला कि हिंदू धर्म जो है ना ये वर्णाश्रम धर्म वाला हिंदू धर्म कलंक है और इसीलिए भारत के संविधान में हिंदुस्तान नाम नहीं रखा गया है, भारत रखा गया है, भारत और इंडिया, ये है आपकी बातों का जवाब, अब आ जाइए हिंदू पाकिस्तान के ऊपर, हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है ऐसा सांसद जी बोल रहे हैं, वो पढ़िए पढ़िए आप पढ़िए, घृणा नहीं है वर्णाश्रम धर्म के प्रति है घृणा, वो भी नहीं है, हम आपका मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान एक फेल्ड कंट्री है, क्या कंट्री बनाना चाह रही है, पैसे का उधार जितना पाकिस्तान पर है, दो मिनट हो गए आपको बोलते हुए, महमूद प्राचा हिंदू पाकिस्तान से लेकर हिंदू कलंक तक आपने सबकी गाथा पढ़ दी ना, अब रुकिए जरा रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए मैं मुझे एक बात से बहुत तकलीफ है, अभी आपने जब ये शुरू किया और आपने प्राचा साहब से पूछा कि आप हिंदू पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या भारत हिंदू पाकिस्तान बन गया है, तो प्राचा साहब ने यूं कह के अपनी लाइन शुरू की कि आप अगर इन लोगों के मुकाबले मुझे 50% टाइम भी देंगे तो, आप सोचिए मतलब इन लोगों के मुकाबले यहां पर पैनल में भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके पैनल में टाइम कितना बढ़ता है उस पर हिंदू पाकिस्तान को जस्टिफाई करने की कोशिश की, जब आपने दोबारा इस सवाल को पूछा और मैंने ऑब्जेक्ट किया तो वो अंबेडकराइट बन गए, सडनली अंबेडकराइट बन के आ गए कि मैं अंबेडकराइट हूं, अब मैं हिंदू मुस्लिम का विषय छोड़ दो। तीसरी बात, ये अभी भी हमारे पैनल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हिंदू पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हिंदू आतंकवादी है, हिंदू मारता है और हिंदू अपने माइनॉरिटीज को पनपने नहीं देता है, आप याद करिए पाकिस्तान में कितने प्रतिशत हिंदू थे जब ये विभाजन हुआ था और आज क्या प्रतिशत है, और गुरुद्वारा अभी अभी जहां पर गुरु नानक देव जी जहां पर बसते थे, जहां उनका गुरुद्वारा उन्होंने बसाया था, उसको तोड़ने का काम पाकिस्तान किया है, और भारतवर्ष में देखिए कितने हमारे माइनॉरिटी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे और आज वो कितने हैं, हम मार रहे हैं, हिंदू लोग उनको सफाया कर रहे हैं, हिंदू लोग उस प्रकार से कत्लेआम मचा रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है, और प्राचा जी जैसे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए प्राचा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, जाते जाते रोज डिबेट में आते रहिएगा, आपके आने से सच्चाई दिखती है, कंपैरिजन होता है तो मालूम पड़ता है। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं अपनी बात करने के लिए। रमेश देवगन जी को बोलिए समय भी दिलवाइए ना, फिर होगा आपका अंजाम और इलाज, समय भी दिलवाइए। क्या इलाज करेंगे आप, क्या अंजाम करेंगे आप, क्या अंजाम और इलाज होगा, पीछे फोटो देखिए, एक एक बहस में होता है, इनके तथ्यों को, इनके तथ्य जो देते हैं ये झूठ बोलते हैं, उनको एक्सपोज करता हूं मैं। सर अभी तो आपका एक पकड़ा गया, एक्सपोज करता हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपका पकड़ा गया, आपने बोला नदी बोला था, नाली तो बोला ही नहीं था, नाली बोला था, अभी आपका एक झूठ पकड़ा गया थोड़ी देर पहले, चलिए आपकी मर्जी है, आपका अगर काम इससे चल रहा है तो चलाते रहिए, लेकिन मेरा देश भारतवर्ष न कभी पाकिस्तान था, न कभी पाकिस्तान है, न कभी होगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे पंडित नेहरू की थी, चाहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की है, कम से कम देश के लिए तो एक होइए। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।